हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं मोटोरोला S50 फ्यूजन की, जो कि मोटोरोला की तरफ से एक बजट फोन है। इस फोन के प्राइस की बात करें तो 8128 GB स्टोरेज के साथ 22999 का आता है, और इसका जो हाइयर वेरिएंट है 12GB 256GB स्टोरेज के साथ 24999 का आता है, और इन पे 2000 का कार डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जिससे कि इसका बेस वेरियंट 20999 का मिलेगा और जो इसका हाइयर वेरियंट है 22999 का देखने को मिल जाएगा। इस फोन के डिजाइन की बात करें तो जो पहले के मोटोरोला के फोन आते थे बहुत ही बेसिक डिजाइन के साथ आते हैं, बट मोटोरोला अपने डिजाइन को बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और इसका जो इनहैंड फील है वो बहुत ही अच्छा है। इसका जो बैक है वो लेदर फिनिश के साथ आता है, और इसका फ्रेम प्लास्टिक का मिल जाता है। बाकी इस फोन में 5000 mAh बैटरी देखने को मिलती है, उनके साथ 68W का चार्जर देखने को मिलता है, और Type-C to Type-C डाटा केबल देखने को मिलती है। ये फोन 3 कलर पैटर्न के साथ आते हैं, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे। बाकी जो इसका मार्शमेलो ब्लू कलर है, मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद इसमें आपको IP68 सर्टिफिकेशन रेटिंग देखने को मिलता है, जिससे कि ये फोन वाटर रेजिस्टेंस, डस्ट रेजिस्टेंस दोनों है, और इस प्राइस रेंज में IP68 रेटिंग देना बहुत ही बड़ी चीज है। इसमें साथ 2 SIM कार्ड लगा सकते हैं, बाकी इसमें SD कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। बाकी इसमें डुअल स्टूडियो स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है, और इसमें हाई रेस ऑडियो भी मिल जाता है। इस फोन के कनेक्टिविटी की बात करें तो इस फोन में 15 5G बैंड देखने को मिल जाएंगे, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन आपको देखने को मिल जाएगा, 5G प्लस आपको देखने को मिल जाएगा, वाईफाई 6 मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिलेगा, और साथ में NFC का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि 144Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। बाकी इसमें 10-bit कलर देखने को मिल जाएंगे, और फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। ये कर्व डिस्प्ले है, बट ये ज्यादा कर्व नहीं है, जो अनवांटेड टच होते हैं उसमें अनवांटेड टच ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, जिसकी स्पीड काफी फास्ट है। 1600 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, जो कि इस प्राइस रेंज में काफी अच्छा है। इसके बाद इसके सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो ये फोन एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, और इस फोन में 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि मोटोरोला ने एक अच्छा काम किया है। बाकी इस फोन के UI में बहुत सारे भर के फीचर दे रखे हैं, जैसे मेड विथ AI, जिससे कि आप किसी भी फोटो से अपना वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर देखने को मिलता है, वो है इसका रेडी फॉर फीचर, जिससे कि अपना फोन वायर या फिर वायरलेसली लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर टैबलेट सभी से कनेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने फोन के सारे ऐप्स को यूज कर सकते हैं। वायरलेसली यूज करने पर थोड़ा लैगी फील करता है, बट वायर का यूज करने पर बेटर आउटपुट देखने को मिलता है। इसके कैमरे की बात करें तो इसका मेन कैमरा 50MP का देखने को मिलता है, जो कि OIS के साथ आता है। इसमें सोनी लाइटा 700C सेंसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, और 13MP का अल्ट्रावाइट सेंसर देखने को मिल जाता है। बट जो इसका मेन कैमरा बहुत ही अच्छी फोटोज निकाल के देता है, जो कि सिंपल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाकी आप इस फोन में 4K 60fps की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वीडियोज की क्वालिटी काफी अच्छी निकल के आती है। और जब आप मेन कैमरे से अल्ट्रा वाइड कैमरे पे शिफ्ट होते हो तो वहां पे आपको कलर शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। बाकी ये फोन डे लाइट में काफी अच्छी फोटोज निकालता है, बट नाइट में थोड़ा स्ट्रगल करता है, नाइट में फोटोज काफी बैलेंस निकल के आती है। 32MP का सेल्फी सेंसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी फोटोज निकालता है। डेफिनेटली मोटोरोला ने इस बार कैमरे पे बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेगा। बाकी जब आप इसे पोर्ट्रेट में फोटोज क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे 24mm, 35mm और 50mm का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको ज्यादा बुके और बेटर बुके देखने को मिल जाएगा, जिससे कि फोटो DSLR जैसी देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Snapdragon 7S Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका अंतुदु स्कोर 5 लाख+ आता है, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छा नहीं, बट एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगा। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना।